प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित उद्यमियों के सम्मेलन के दौरान एक ऐसी महिला उद्यमी का जिक्र किया जिन्होंने आत्महत्या के मुहाने से वापस आकर एक बार फिर से अपनी जिंदगी को नए मायने दिए। दलित समाज की एक महिला अगर 2 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी से लंबा सफर तय कर आज अगर 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबार की बागडोर संभाले तो इसे सिर्फ प्रेरणा का नाम दिया जा सकता है। एक ऐसी ही प्रेरणा है पद्मश्री कल्पना सरोज, जिन्होंने हाल ही में लंदन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उस छोटे से घर को सरकार द्वारा खरीदने के लिए प्रेरित किया जिसमें बाबा साहब ने पढ़ाई की थी। उनसे बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। हमारे साथ हैं पद्मश्री कल्पना सरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज से बात करने के लिए। ये जो आपकी जर्नी है वो काफ़ी दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक तरह से प्रेरणा की बात है। किस तरह से आपने स्ट्रगल किया और किस तरह का भविष्य देखती हैं आप दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए? स्ट्रगल तो खैर मैंने बहुत किया क्योंकि मैंने खुद भी मरने की कोशिश की थी क्योंकि मेरे पास भी जीने के लिए कुछ था ही नहीं और इसके लिए मैंने खुद मौत को गले लगाने की कोशिश की थी लेकिन मैं मर नहीं सकी, मैं बच गई। और वहाँ से मैंने स्ट्रगल शुरू किया अपने एक सिलाई मशीन को लेकर, वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया। लेकिन सिलाई करते करते मुझे मौके मिलते गए, मैं बिल्डर भी बन गई और बिल्डर बनते हुए मैं शुगर फैक्ट्री की डायरेक्टर बनी और शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर के बाद मुझे कमानी ट्यूब्स लिमिटेड इस कंपनी को टेक ओवर करने का मौका मिला जो बहुत ही हार्ड था। 116 करोड़ का कर्जा, 140 लिटिगेशन के केसेस, 2 बड़े यूनियन और जो 25 साल से बंद पड़ी हुई कंपनी थी जिस कंपनी को टेक ओवर करना बहुत ही मुश्किल था लेकिन उसके बावजूद मैंने उसमें काम किया और मैंने उसको सक्सेस किया। आज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के उसको लेकर के आपके क्या राय है और किस तरह से उसको क्या सुझाव है क्योंकि स्टार्टअप इंडिया शुरू होने वाला है? ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है एक्चुअली क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, काम करने का कोई बहुत ज़्यादा हमें कोई स्कोप नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने आप को तो खैर कर ही लिया, इस मुकाम पे पहुंचा है। लेकिन आज के ज़माने में, आज अभी इस वक्त गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम हमारे यूथ के लिए निकाली हुई है तो इस सब का फ़ायदा हमारे यूथ को बहुत अच्छे से मिल सकता है। आप देख लीजिए ना कि एक स्मार्टफोन को हम लोग खोल देते हैं और इंटरनेट शुरू हो जाता है और उस पर बहुत सारी मालूम मिल जाती है तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा लेते हुए हमारे यूथ ने, हमारे दलित समाज के यूथ ने आगे बढ़ना चाहिए और इस मुकाम पर हासिल करना। प्रधानमंत्री जो ये कह रहे हैं कि जो 10 साल की जर्नी है उसको अगले 2 साल में उससे डबल कर पाना, ये चैलेंजिंग लगता है? मुझे नहीं लगता कि ये मतलब चैलेंजिंग तो है लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसे नहीं लगता मुझे क्योंकि मुश्किलें जो थी वो पिछले बार थी, मतलब हाँ काफ़ी अभी जो है वो काफ़ी आसान हो गया और काफ़ी आसानी से लोग कर सकेंगे और कोई मुश्किल नहीं है, वो 2 साल में पूरे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।